श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का किया गया शुभारंभ। विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर वीसी के माध्यम से जुड़े। उदयपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो की 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों पर हुआ सत्रों का आयोजन। गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा, अब देश में हर व्यक्ति को फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं हो रही हैं लागू। जयपुर में उपखंड मुख्यालय सांबरले को सांबर फुलेरा नाम से राजस्थान का नवीन जिला बनाने हेतु 30 नवंबर को किया जाएगा शहीद स्मारक पर धरना। प्रदर्शन, लोगों से जुड़ने की अपील। श्रीगंगानगर में विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर ने कृषि महाविद्यालय का किया अवलोकन। विधायक ने कहा, जिले में कृषि महाविद्यालय की है बहुत महत्ता। श्रीगंगानगर में संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में 30 नवंबर को किया जाएगा बॉर्डर विलेज फेस्टिवल का आयोजन। उप महानिरीक्षक BSS अमित कुमार त्यागी होंगे मुख्य अतिथि। प्रतापगढ़ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा शिविर के दिन प्रधानाचार्य द्वारा दी गई स्वच्छता के बारे में जानकारी। शिविर स्थल की साफ सफाई भी करवाई। जोधपुर में सेना भर्ती रैली का किया जा रहा है आयोजन। विभिन्न जिलों के 1250 अभ्यर्थियों ने अग्निवीर तकनीक और अग्निवीर क्लर्क ग्रेड के लिए दौड़ में लिया हिस्सा। सवाईमाधोपुर में पंचायत हिंसा मुक्त बचपन की दिशा में कार्यशाला का किया गया आयोजन। बाल हितैषी संकल्प अभियान के दौरान हिंसा मुक्त बचपन के बारे में दी गई जानकारी। सीकर में राज्य सरकार की ओर से एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान का किया जा रहा है आयोजन। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा शरीर में खून की मात्रा की जांच कर खून बढ़ाने की दी जाती है गोली। जयपुर में जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में 10 नवंबर को योग साधना भवन का किया जाएगा लोकार्पण। कुलपति प्रोफेसर राम सेवक दुबे ने राज्यपाल कलराज मिश्र और सांसद रामचरण बोहरा को किया निमंत्रण। सामाजिक कार्यकर्ता फैशन डिजाइनर रूमा देवी ने कहा, अमेरिका में राजस्थानियों ने बसाया है मिनी राजस्थान। राजस्थान की सभ्यता संस्कृति के बारे में रखे अपने विचार। जयपुर एयरपोर्ट के कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई से आई यात्री से तस्करी कर लाए गए लगभग 582 ग्राम सोना किया जब्त। यात्री से पूछताछ जारी। जयपुर के निजी विश्वविद्यालय में राजस्थान स्कूल ऑफ लॉ फॉर वुमन द्वारा छात्र संघ चुनाव का किया गया आयोजन। प्रधानाचार्य ने विजेताओं को दी बधाई। धौलपुर में 66वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा, खेल को खेल की भावना से खेलें। और राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के 38वें स्थापना दिवस पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया गया कार्यक्रम आयोजित। ब्रज क्षेत्र के कलाकारों ने दी नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां।